हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। ये मैं एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम ऑनलाइन कुछ कुछ पढ़ेंगे और वो कुछ कुछ जो रहेगा वो CGPSC का रहेगा, CG व्यापम का रहेगा स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे बात आगे बढ़ेगी। तो शुरुआत करने के पहले हम देखते हैं कि अभी जो पेपर आया था फॉरेस्ट सर्विस का, उसका जो पहला पार्ट था जो CG के ऊपर था, छत्तीसगढ़ के ऊपर था, उसके क्वेश्चंस पे हम नज़र डालेंगे। अब इसमें है क्या, बिकॉज आप लोगों को सारे क्वेश्चंस तो ऑनलाइन उनके आंसर मिल ही गए होंगे या आपके कोचिंग सेंटर ने बता ही दिया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसी क्वेश्चंस को लेके आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे या उनके ऑप्शंस को देख के उसको रिवाइज करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करें, चलिए। अब ये पहला क्वेश्चन था कि आनंदीबाई छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी, और ये जो थी वो बिंबाजी थी, बिंबाजी की तिरुनाजी व्यांकोजी। अब देखेंगे बिंबाजी कौन थे। बिंबाजी जो थे पहले रूलर थे मराठा के, और वो रतनपुर तरफ से आए थे, नागपुर भोसले जो नागपुर मराठा जो ब्रांच था वहाँ का था, वहाँ के थे। और चिमनाजी कौन थे, चिमनाजी हमको आप लोगों ने बाजीराव देखी होगी, जो उनके भाई थे ना वो चिमनाजी थे। व्यांकोजी जी ने जो बिंबाजी के जस्ट बाद आए थे उनके मरने के बाद, उन्होंने सूबे रूल चालू किया था, और उसके जो पहले थे वो महीपत राव दिनकर जो थे वो पहले सूबेदार थे। तो ऐसे हम देखेंगे। अब बिंबाजी की दो वाइफ थी, उमाबाई और आनंदीबाई। उमाबाई जो थी उन्होंने सती प्रथा अपनाया और वो भी बिंबाजी के साथ चल बसी। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य पर कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो थे रघुनाथ सिंह जी। अब देखिए जो नीचे के जो दो क्वेश्चंस हैं, नथिया नावागांव पर्यटन विश्राम गृह और गड़िया पहाड़, ये दोनों के आंसर देखिए आप। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो अलग से क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन दोनों के आंसर्स जो रहेंगे थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, जिसमें आप देखिए इसमें दो आंसर हैं जो कांकेर कांकेर करके। तो ये मैं आपको 80% लिख के दे रहा हूँ कि ऐसे दो क्वेश्चंस में वो एक ऑप्शन जो दोनों क्वेश्चन में प्रेजेंट है वो ज़रूर होगा, या तो दोनों का आंसर होगा या तो एक का आंसर होगा। अब देखिए इसमें हम मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तो इसका आंसर था कांकेर। तो जिन्होंने, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते और आप दोनों कांकेर कांकेर लिख के आ जाते तो आपको सही मिल जाता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 90% अगर मान लीजिए किसी एक का आंसर कांकेर नहीं भी रहता और कोई दो ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है उस दो क्वेश्चन में एक ऑप्शन सेम है, तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का दो नंबर है और माइनस मार्किंग वन नंबर की है। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन में कांकेर लिख के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन का आंसर कांकेर नहीं है तो भी आपको एक नंबर मिल रहा है। जहां आप दोनों नहीं बना पा रहे थे वहां आप एक नंबर पा रहे हैं। और अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पता है और दूसरे का नहीं पता तब बात अलग है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। अब आता है कि हमार छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सी जगह शामिल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पुरखोती मुक्तांगन है जो कि म्यूजियम है, राजीव स्मृति वन है जो ऊर्जा पार्क ये रायपुर में, और जंगल सफारी। ये आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा भ्रमण करने के योग घूमने वाला है जहाँ पर रुक सकते हैं। और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय जो एक यूनिवर्सिटी है ऐसा पता है, तो यहाँ पे ये तो पढ़ाई लिखाई वाला है तो ये थोड़ा अलग सा ऑप्शन लग रहा था हमको, तो ये राइट आंसर है। अब पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है, देखिए ये जो है शिक्षा से है। शिक्षा मतलब बेसिकली क्या है कि हॉस्टल अच्छे होने चाहिए और सैनिटरी अच्छा होना चाहिए और कितने ज़्यादा अच्छे टीचर्स होने चाहिए, उनको हाई लाइव वीडियोस लाइव प्रैक्टिकल ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज आपको पता है छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिकल्स होते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे थे पंचमुखी, आप ये पाँच पता करिएगा, ठीक है। अब बस्तर में कौन सा बटालियन गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ होंगे, जो पढ़े होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी लोग सलवा जुडूम करके कन्फ्यूज़ होंगे। सलवा जुडूम कुछ नहीं है, ये शांति यात्रा है, सफाई रैली नक्सली हिंसा के खिलाफ और कुछ नहीं। बस्तर बटालियन जो है वो राइट आंसर है। अब निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है। कई लोगों ने दंतेवाड़ा लिखा होगा, कई लोगों ने, इसका आंसर जो था ये है क्या, ये एक वाटर शेडिंग मतलब यहाँ पे क्या है आप तालाब टाइप का या कुछ टाइप का जिससे पानी बचा रहे, और ये इंडिया में है, भारत सरकार ने लागू किया है। इसमें दो, हर
छत्तीसगढ़ के दो गांव, दो से शहर हैं, एक जशपुर एक कांकेर। कांकेर का विकास खंड बानो प्रतापपुर नरहरपुर है, और जशपुर का देख सकते हैं आप कि पत्थर गांव और कुनकुरी है। अब कौन सी सिंचाई परियोजना बहुत देशी योजना है? ये है मिनी माता हंसदेव बैंगो डैम परियोजना। डैम भी है, बिजली भी उत्पाद करती है, बहुत कुछ है, इरिगेशन फैसिलिटी भी है, कोरबा में है ये। अब देखिए ये दो ऑप्शन हम को ऑप्शन है तो हम क्यों उसको रिवाइज ना करें। खारंग जलाशय जो है वो बिलासपुर में है, सारा बैराज जो है वो रायगढ़ में है। अब रायगढ़ घराना के नृतक कौन नहीं थे? देखिए इसमें जो तीन ऑप्शन थे वो तो थोड़े अनबन से, लेकिन जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये कथक डांस के हैं और ये लखनऊ से हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं हैं। अब कौशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ये जो हैं गंगाधर मिश्र हैं। ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किसकी है? ये रुद्रा शिव की है। अब ये रुद्रा शिव तो हो गया, चलिए ये आंसर मिल गया। अब ताला गांव से और क्या याद आता है? वो याद आता है हमको देवयानी जेठानी टेम्पल, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता? तो हमको पता है कि कोरबा जो है कोल के लिए फेमस है, तो और इससे आंसर तो कोरबा निकल गया। अब कोरबा से हम और कैसे याद कर सकते हैं? कोरबा जो है कोल के लिए फेमस है। यहाँ पे तीन प्लेस हैं जहाँ पे ओपन कास्ट माइन है, जो कि गेवरा, दीपका और कुसमुंडा। अब छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज से सबसे अधिक मूल्य का राज्य आय प्राप्त होता है, वो होता है कोयला से, जैसे किसको बोलते हैं कोल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है। अब ये तो आपको इसको कुछ नहीं कह सकते, मगअप ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक। ऐसे हमको अब इसमें हमको क्या मिला? अब हमको हम क्या करेंगे इससे? हमको एक आंसर मिल गया। अब हम सारी नीति सारी परियोजना का एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को हम लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन याद करेंगे। ये मैं बनाऊंगा आगे वीडियो अगर आप लोग का मन होगा तो। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं, प्लस उन वन मंडल परियोजना में कितने होम हार्बर गार्डन हैं? ये दो क्वेश्चन थे लाइन बाय लाइन और दोनों का आंसर था 7। तो जैसे मैंने आपको कांकेर वाला बताया वैसे ही इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरा प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ये जो है वो मक्का, इसको बोलते हैं कोड़ू कुटकी। मक्का जो है वो एक है, पर मेरे को कोड़ू कुटकी में भी डाउट है, तो ये आप बताएंगे आप कमेंट करके। अब ये है खुड़सेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये आप पता कर लीजिए, नारायणपुर में। अब नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? ये बीजापुर में थी, ये देखिए ऊपर यहाँ पे है बीजापुर। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि नडापल्ली गुफा गुफा जो है वो बीजापुर में है। उसको शंकनपल्ली भी बोलते हैं, कई ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाम भी वही सेम नाम है। अब निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? वो है लक्ष्मण मस्तूरिया जी। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो ये बताएंगे मुझे आप, ठीक है, इसे आप बताएंगे मुझे। अब है पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? ये होता है सतनामी कल्ट, सतनामी समाज। अब देखिए इससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सतनामी समाज किसने लाया था? गुरु घासीदास जी ने, उन्होंने काफ़ी फाइट किया था इनके लिए। गुरु घासीदास जी कहाँ के थे? गिरौदपुरी के थे। अब गुरु घासीदास जी के नाम पे क्या है? एक नेशनल पार्क है। वो पहले क्या था? वो पहले संजय गांधी नेशनल पार्क था। वो कहाँ पे है? वो कोरिया बलरामपुर पे है। आपको ये पूरा एक लाइन याद हो गया। अब आते हैं पद्मश्री सम्मान से छत्तीसगढ़ में कवि कौन है जी? ठीक है, अब इसका आंसर बताइए मुझे आप, बिकॉज सुंदरलाल शर्मा जी और लोचन प्रसाद पांडे जी, सुंदरलाल शर्मा सबको हैं, लेकिन आंसर जो होगा मुकुटधर पांडे होगा, ठीक है ना। अब आप बाकियों का भी आप पता करिए। जैसे मैं आपको बताया, ये मैं आपको एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ कि आप काफ़ी एक जब आप आखिरी में जब अपने क्वेश्चंस के या शुरू में जब आप पेपर देखते हैं तो आप कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आंसर नहीं देखें, जो मॉडल आंसर रहता है ना उसमें सिर्फ आंसर नहीं चेक करेंगे कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। आप चेक करेंगे कि इस सारे आंसर का मतलब क्या है, इसको हम कैसे अपने पढ़ाई से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं राउत नृत्य में क्या गाते हैं? देखिए ये तो दिवाली के बाद होता है, बहुत फेमस है तो आप सबको पता होगा, तो ये बताइए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे आगे बताने का मौका मिलेगा कि मैं कि आप लोगों को
ये सब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आप लोग अपने नॉर्मल ट्यूशन से या नॉर्मल कोचिंग से ही खुश हैं। अब पंचायत समिति के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड बाय, इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर अब मैं ही भी तो बोल देता हूँ कि जो मेंबर्स रहते हैं वहाँ पे, जो मेंबर्स नहीं, जो जो आपके वहाँ पे गांव पे जो रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जो पंच रहते हैं उनको। अब राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये है कनाडा के देश, कनाडा इज़ अ कंट्री, ये जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया था। इसका आंसर तो आपको रखना ही पड़ेगा, 1973। अब राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किस माध्यम से जानी आवश्यक है? वो है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन से चुने बिकॉज बाकी सब क्वेश्चन तो थे, कई सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे और कई सारे यहाँ पे बताने का मतलब नहीं था, बिकॉज आपको आंसर पता है। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि आप आंसर से आगे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जब आप कोई मॉडल आंसर देखें तो आप उस आंसर में अपनी पढ़ाई को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अब आगे का काम है, ये है कि आगे क्या आने वाला है। अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी लोगों को मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब आगे हम, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आगे हम करेंगे CG फ्रीडम फाइट सीरीज़ जो है, मतलब जो रिवॉल्ट हुए थे और जो भी हुआ था उसके बाद करेंगे, या उसके पहले करेंगे, ये आपके ऊपर है। मराठा रूल्स करेंगे, ब्रिटिश रूलर्स जो थे वहाँ पे, जैसे पहला क्वेश्चन था बिम्बाजी वाला वैसे। उसके बाद आएगा ट्राइब्स फेस्टिवल, ग्रामर भी आ जाएगा धीरे से, जैसा आपको चाहिए अब है एक्सेट्रा, तो वो आप बताएंगे मुझे आपको क्या चाहिए। और कितने ऑडियंस हैं छत्तीसगढ़ में मेरे, या कितने ऑडियंस हैं जो वीडियो देखते हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कितने ऑडियंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि और बने, ताकि आप जो न्यू लैंग्वेज, आप देखे होंगे बहुत सारे सीरीज़ आ रही हैं UPSC के लिए, पर CGPSC के लिए कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें तो आप कर सकते हैं काम। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक पेज है वो लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए ताकि ये सर्च बार के टॉप में रहे, कोई सर्च करे CG के कारण। तो कमेंट कीजिए आपके टॉपिक्स जो आपको चाहिए, और प्लीज़ जो मैंने आंसर क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं वो ज़रूर दीजिएगा, और अपने सजेशंस दीजिए, बिकॉज ये पहला वीडियो है, मुझे अपने आप को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हूँ। तो आपके सजेशंस बहुत ही बहुमूल्य रहेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।